गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकता आप लोगों को मैं, इट इज गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार आप लोगों को, आप लोगों का एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं संचिता का, जीएस गुरुआ का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो आप सबका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। तो जल्दी से सर आ जाइए और सबको सेशन पर तो शेयर कर दीजिए कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और जिससे कि हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स है उसको स्टार्ट कर पाए। हमने कल पढ़ा था गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल, याद है? कल हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो जल्दी से आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। लेकिन इसके पहले आप अपना काम कर दीजिए कि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है। और पहली बार अगर आप आए हो तो भाई आपका नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का भी बेल अगर दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हर लिस्ट लेक्चर की आएगी जो इस प्लेटफॉर्म पर होगा। अच्छा, मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर भी। अनअकैडमी पे आप में से मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हो, और इसीलिए आप लोगों का जो कहते हैं सपोर्ट है उसके चलते 500 फॉलोअर्स हो चुके हैं। 499 मुझे देख रहे थे, अब 500 फॉलोअर्स हो चुके हैं। उसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। 50 डेडिकेशन आ चुके हैं, यानी कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, दैट इज रियली गुड। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरी क्लासेस को वॉच करोगे और उसे शेयर करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट कॉइंस का भी मिलेगा। और इसके बाद कोई भी और आपको डाउट है अगर सब्सक्रिप्शन को लेकर अनअकैडमी के, तो सीधा मेरे को इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, @examopedia+। जी हाँ, जो चैनल का नाम है वही नाम आपका कहते हैं टेलीग्राम का भी है। और सीधा चैनल पर पहुँच कर मुझसे बात करोगे और आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बट ट्राई टू टेक एटलीस्ट 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, और ये आपको सिर्फ पड़ रहा है महीने का 400 रुपये। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, महीने का 400 रुपये, और ये सब कुछ अब अवेलेबल है EMI के ऊपर भी। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बस आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ाने के लिए टीचर तैयार है, पढ़ने के लिए बस आपको तैयार होना है। ठीक है, जल्दी से आओ शुरुआत करते हैं। तो ये है एग्जामोपीडिया प्लस, वर एग्जाम फोबिया एंड्स। भाई अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस। जी हाँ, भारत में यूरोपियंस आए, भारत में यूरोपियंस आए, ये हम लोग देख चुके हैं। तो उनके आने का सर सीक्वेंस क्या है? तो भाई इनके आने का सीक्वेंस था पुर्तगालीन आए, डच, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। मतलब सर इनके आने का सीक्वेंस है PEDF, सर इनके आने का सीक्वेंस है PEDF। और वहीं जब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, तो वो क्या है सर? वो है पोर्टुगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी PDEF, समझे? तो यहाँ पे देखो ई पहले है, यहाँ पे देखो ई बाद में है, यही अंतर है, जो मेन अंतर है आपके लिए। अच्छा, जो हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका 1498 से लेकर 1857 तक का जो इतिहास है वो हमने पूरा देख लिया है। अगर आपने अभी तक ये इतिहास नहीं देखा है या आपको कोई भी लक्ष्य छूट गया था, तो भैया प्लेलिस्ट पूरी आप बना दी है, वो आपको मिलेगी ऊपर आई बटन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जरूर जाकर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब क्या क्या पढ़ चुके हैं, जल्दी से पहले एक बार हम लोग से रिवाइज कर लेते हैं कि 1498 से 1857 तक क्या क्या हम लोग कर चुके हैं। ये रिवीजन जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना हमको डेट्स और हमको इवेंट्स याद होना शुरू हो जाएंगे, और दिस इज द ओनली वे टू क्लियर आवर एग्जामिनेशन। तो देखो अभी तक स्टोरी सो फार क्या रही है सर, 1612 का आपका हमने देखा है यहाँ पर बैटल ऑफ सॉलिहोल, क्या देखा है हमने? बैटल ऑफ सॉलिहोल। 1757 में सर आपका हुआ है बैटल ऑफ प्लाजी। सर सॉलिहोल में कौन हारा था? सर यहाँ पुर्तगालीन हारे थे, पुर्तगाल हारे। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले यही आए थे 1498 में, और सबसे बाद में 1961 में यही गए थे। तो सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले कौन? पुर्तगालीन। पढ़ते रहो, क्वेश्चन आपको मैं रटा दूंगा सारे। सर बैटल ऑफ प्लाजी की बात करें तो प्लाजी का युद्ध सर बंगाल के लिए हुआ था, सिराजुद्दौला यानी पहला नवाब जो हार गया, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। तो यानी रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पर कहते हो क्या हो जाता है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव हार जाते हैं? नहीं सर, वो तो जीत जाते हैं। किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से। मीर जाफर की वजह से
रॉबर्ट क्लाइव जीतते हैं, सिराज उद्दौला पहला नवाब भारत का जो हारा था। सर बदेड़ा के युद्ध में क्या हुआ था? सर डचेस को धूल चटा दी और डचेस चले गए हमेशा के लिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जी हाँ इंडोनेशिया। वांडी वॉच की लड़ाई में सर फ्रांसीसी हार गए। पानीपत के युद्ध में सर मराठा वर्सेस अब्दाली हुआ था, याद है अफगानी अशिया का कहते हो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली। अच्छा अहमद शाह अब्दाली भारत कौन सी लड़ाई में इसके पहले आ चुका था? एक लड़ाई हुई थी जिसमें मोहम्मद शाह भी थे, एक लड़ाई हुई थी जिसमें मोहम्मद शाह भी थे, उसमें अहमद शाह अब्दाली भारत आया था और नादिर शाह के साथ आया था। ये आपको मैंने हिंट दे दी है, नादिर शाह के साथ आया था। तो लड़ाई का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लड़ाई, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैटल जहां का मोहम्मद शाह के साथ लड़ने आया था अहमद शाह अब्दाली, उस लड़ाई का नाम चाहिए आपसे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब सर बक्सर की लड़ाई का देखें आप जल्दी से। हाँ फ्रांसीसी हार गए, बिल्कुल सही। देखो बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ था, बक्सर में 1764 में, 1764 में कौन हार गया? सर 1764 में बेटा आपका यहां पर हार गए थे बक्सर में, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका शाह आलम टू जो हमारे मुगल बादशाह हैं, जो हमारे मुगल बादशाह हैं वो हार गए थे। तो इसके बाद क्या होगा? जब शाह आलम टू हार गए तो हम दिल्ली हार गए, हम दिल हार गए, और यहाँ पर 1765 में एस्पिरेंट्स क्या हुआ, 1765 में दीवानी का अधिकार, जमीन से टैक्स लेने का अधिकार भी अंग्रेजों के पास चला गया, और ये सबसे ज्यादा दिक्कत की बात थी हम लोगों के लिए। तो आई वॉन्ट आंसर, आई एम वेटिंग कि किस लड़ाई में आपका अहमद शाह अब्दाली भारत आए थे और उनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद शाह से। हाँ दिल हार गए, हितेन पटेल ने बिल्कुल सही कहा सर, दिल हार चुके हैं हम लोग। अच्छा देखो यहाँ पर, अब देखो दक्षिण बचा है, अब दक्षिण बचा है, मराठा बचे हैं और मैसूर बचे हैं। तो सर मराठा और मैसूर में सर बारी बारी से लड़े हैं, पहले देखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। सर एंग्लो मैसूर वॉर के कारण बात करते हैं, शिल्पा ने आंसर दिया है बैटल ऑफ करनाल, फैंटास्टिक फैंटास्टिक वेरी गुड, शिल्पा ने आंसर दिया बैटल ऑफ करनाल। तो सर अहमद शाह अब्दाली, जी हाँ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मोहम्मद शाह, सर बैटल ऑफ कौन सी मेरे भाई, ये है बैटल ऑफ करनाल, ये है बैटल ऑफ करनाल 1739, 1739, ठीक है, दैट्स ग्रेट, गुड आफ्टरनून पायल। देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के से बात करूं यहां पर, तो सीधे ट्रीटी ऑफ मद्रास है, ये आपका करी थी हैदर अली साहब ने करी थी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर आपसे बात करता हूं तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है, ये टंकी बेटे टीपू सुल्तान ने करी है। थर्ड एंग्लो मैसूर, अगर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करता हूं सर ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम जो कि टीपू सुल्तान ने कहते शांति शांति बहाल करने के लिए करी थी। और अगर ऑन द अदर हैंड देखें तो सर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है एस्पिरेंट्स सर ये है टीपू सुल्तान की डेथ, और ये सब लोग कहते हैं बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की डेथ 1799 में हो गई। अगला क्या हुआ सर? अगला आपका होता है एंग्लो मराठा वॉर। इसमें क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की अगर बात करते हो 75 से 82 तक चली, साल नहीं भी याद होगा चलेगा, ऊपर ऊपर से याद रखना। 1775 में से स्टार्टिंग हुई है एंग्लो मराठा वॉर की, और एंडिंग हुई है 1818 में, एंग्लो एंडिंग हुई है 1818 में। सर इसकी शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से, ट्रीटी ऑफ सूरत से, और ये खत्म होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई पर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालबाई खत्म हो जाती है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्या है? तो यहाँ पे तीन संधियां हुई हैं, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ राजघाट। अगर बेटा इनमें से कुछ भी भूल गए हो ना तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर से देख लेना जिनमें ये लड़ाइयां मैंने बताई थी, बिकॉज ये सारी ट्रीटियां जितनी जितना ज्यादा याद रखोगे पेपर में क्वेश्चन में फंसने के चांसेस अपने उतने कम कर लोगे। अगर भूल गए तो जरूर उसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज आपको मैं हिंट देता रहता हूँ कि यहाँ पर ये संधि थी, यहाँ पर ये संधि थी, डिटेलिंग मैंने पढ़ाया है आपको हर एक क्लास के वीडियो में, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका सर स्कूल बोलते हैं पिंडारी वॉर भी, और यहाँ पर आपका ट्रीटी ऑफ ग्वालियर और ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुए, और कुल मिलाकर मराठाओं के पास से हिस्सा चला गया और चला गया अंग्रेजों के पास। चलिए तो एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है मेरे भाई, एंग्लो सिख वॉर की अगर बात करते हैं आपसे तो एंग्लो सिख वॉर पहली और दूसरी दो होती हैं, दोनों होती हैं दिलीप सिंह जी के टाइम पर। अच्छा दिलीप सिंह जी की मदर कौन थी, दिलीप सिंह जी की मदर कौन थी आपको मैंने बताया, हु इज द या हु वॉज द मदर ऑफ दिलीप सिंह जी, आई वॉन्ट द आंसर।
ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, और लाहौर में कहीं ना कहीं जो आजादी थी सिखों की वो चली गई। अब आपको सर अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी सुनो देखो ध्यान से, ट्रीटी ऑफ लाहौर कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर हुई थी, तो तुम फंस जाओगे। समझ रहे हो बात को? ट्रीटी ऑफ लाहौर कौन से गवर्नर जनरल के नाम पर हुई थी, सर आप तो फंस जाओगे बिकॉज ये तो सर अभी आपने पता ही नहीं करा है। तो यही आज मुझे आपको बताना है कि कौन सी संधि किसके टाइम पर हुई थी, कौन सी लड़ाई किसके टाइम पर हुई थी सर। अच्छा, इन सब के बाद जब सिख भी हार गए तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ था। भारत में कहते तो आजादी की जो लॉ है या बदला लेने का एक जो जुनून है वो कहीं ना कहीं जाग चुका था वेल्लोर क्रांति से, कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और जब लैंड को छेड़ा गया, जमीन को छेड़ा गया, तो ओडिशा में पाइका रिबेलियन हो गया। और ओडिशा में मेरे भाई पाइका एक डांस भी है, पूरा फोक डांस के ऊपर दो वीडियो बनाए हैं, उसको भी आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट पिछले आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा। एक मैंने बनाया है आपका नॉर्थ ईस्ट का, एक मैंने बनाया आपका साउथ ईस्ट का, तो जरूर से जाकर वो ट्रिक्स याद कर लोगे फोक डांस की, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सर यहाँ पे हम लोग रुके नहीं थे, हमने इसके आगे भी पढ़ा था, हमने इसके आगे देखा था 1857, 1857 पार्ट वन, समझे आ रही बात, 1857 पार्ट वन एंड पार्ट टू, ये भी हमने देखे हैं कि कैसे झांसी की रानी, कैसे कुंवर सिंह, कैसे बहादुर शाह जफर, और कैसे आपका टांटिया टोपे, कैसे आपका कहते हैं ढोंडू पंत, ढोंडू पंत का मतलब क्या हुआ, अरे नाना साहेब की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये लोग कैसे लड़े, कैसे जी, कैसे हम हारे, वो क्या कॉजेस थे, क्या इमीडिएट कॉज था, मंगल पांडे का कहते हैं वो कहते 29 तारीख को विरोध करना, 8 अप्रैल को उनको फांसी उतारना, वो सब हमने डिटेल में आपको देख लिया था। हमने कल सब कल देखा था यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आपके बने थे, हमने देखा था सर वॉरेन, हमें देखना शुरू करा था वॉरेन हेस्टिंग से, वॉरेन हेस्टिंग देखे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस देखे थे, जॉन शॉर देखे थे, हमने सब कल देख लिए थे। तो सर आज क्या दिखाने वाले हो भैया, आज इसकी आगे की कहानी देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपसे कि कैसे 1833 में, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, 1833 में जो चार्टर एक्ट आपका निकल कर आता है एस्पिरेंट्स, उस चार्टर एक्ट के बाद आप सबको सुनना ध्यान से, भारत में एक नया पद आ जाता है, उस पद को हम लोग बोलते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था सर, ही वॉज विलियम बेंटिक। तो फर्स्ट थे विलियम बेंटिक। तो जल्दी से आइए इनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। अगर बफरिंग हो रही है तो यू कैन जस्ट रिफ्रेश योर सेशन बेटा, बिकॉज बफरिंग होनी नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड इनफ। अंकिता, दिलीप सिंह जी ने कोहिनूर नहीं दिया है। ओके, पायल वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैं आपसे बात कर रहा हूं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। हाँ भाई, मुझे आंसर चाहिए कि उनकी माता जी कौन थी, दिलीप सिंह जी की माता जी कौन थी। पायल, वर्तिका, अंकिता, आई वॉन्ट आंसर कि दिलीप सिंह जी की माता जी का नाम क्या था। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला किसी का, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर कि भाई दिलीप सिंह जी की माता जी का नाम क्या है, उनकी माता का नाम था रानी जिंदन। फर्स्ट वाइस रॉय कौन था। अंकिता, जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दो, फर्स्ट वाइस रॉय कौन था आपको पता चल जाएगा इस क्लास के आखिरी में। हाँ, रानी जिंदन, ठीक है, वेरी गुड। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करते हैं सर, ये पद आया कब, सर आपका ये पद आता है 1833 में। देखो सुनना मेरी बातें बहुत ध्यान से, 1833 में आपका पद आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। सबसे पहले बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका टेन्योर है 28 से 35, जी हाँ, मतलब भारत में
ये आखिरी, भारत में ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। ये बात समझ में आ रही है? भारत में ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे और पहले पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो सर वॉरेन हेस्टिंग्स। आई थिंक आपको पूरी बात अब तक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर क्लियर हुआ इसे पर थम्स अप कर देना। देखो, इनके टाइम पर सती प्रथा बंद हुई। सती प्रथा बंद करवाने में इनका हाथ तो था ही। सर जो हाथ था सर वो था आपका किसका सर? वो सर हाथ था ब्रह्मो समाज के फाउंडर का, यानी कि आकर राजा राम मोहन रॉय का। तो राजा राम मोहन रॉय को आप सब जानते हो, भारत में जो सामाजिक सुधार है उसके पितामा कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय, अभी हम उसके ऊपर आपसे क्लास क्लास करें हम लोग, अभी हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भारत में समाज सुधार कौन कौन से हुए, कौन कौन सी सोसाइटियां बनती हैं, अभी उसके ऊपर आपके बात करेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो पायल ने कहा है, प्राची ने कहा सर एक बार फिर से। प्राची देखो सिंपल है, इंडिया से पहले जो पद था वो कौन सा था? बंगाल का पद था, मानते हो? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था इंडिया से पहले। तो जो आदमी पहला इंडिया का बना है, जो आदमी पैदा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला, वो क्या रहा होगा सर? वो रहा होगा बंगाल का आखिरी सर, वो रहा होगा बंगाल का आखिरी। जब बंगाल का आखिरी है तभी तो इंडिया का पहला है। मैंने आपको यही बोला कि विलियम बेंटिक इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सिंपल। अच्छा, इन्होंने देखो ठगी वगैरह को रुकवाया, जो कहते हैं भ्रूण हत्या होती है इन्फेंटिसाइड्स उसको रुकवाया, जो बच्चों की बलि वगैरह होती हैं उनको रुकवाया। तो जिनको बेसिकली थोड़ी दिक्कत है अंग्रेजी से उनके लिए मैं देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठगी मतलब वो चोरी चोरी चकारी को रोका गया, इन्फेंटिसाइड्स को रोका गया, भ्रूण हत्या को रोका गया, जो बच्चों की बलि थी उनको रोका गया। और ये भैया अंग्रेजी एजुकेशन एक्ट लेकर आया 1835। अब इसके अंदर क्या है ये आपको डिटेल में ऐसा नहीं पढ़ना है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर से, लेकिन अगर आप तैयारी करो यूपीएससी वगैरह की तो आपको पढ़ना पड़ सकता है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज नो नीड टू गो डीप इनटू इट। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इनके टाइम पर आया था, दैट इज सफिशिएंट इनफ। अब देखो इनके बाद कौन आए? देखो इनके बाद जो आए थे उनका टेन्योर बहुत छोटा छोटा है, उससे हम मुद्दे मुद्दे की बात करेंगे फिर आगे निकलते चले जाएंगे। फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म। अच्छा, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? सिंपल क्वेश्चन है, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सिंपल क्वेश्चन है, राजा का टाइटल किसने दिया था? ओके, आई कैन ओनली सी 10 पीपल राइट नाउ वॉचिंग। 10 मतलब समझ रहे हो, सिर्फ 10 लोग देख रहे हैं। तो शाम को 5 बज रहे का टाइम आ चुका है, 5 बज रहा है, 5 बज के 4 मिनट आपके हो रहे हैं। अच्छा खासा टाइम है, पढ़ने का टाइम है ये। कोरोना है, कहीं बाहर जा नहीं सकते। पेपर आपका ड्यू है 10+2 के, सीपीओ के। ओनली 10 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए भाई? तो अपने दोस्तों को, दोस्त के दोस्तों को बोलो भैया क्लास चल रही है, फटाफट ज्वाइन करते चले जाएं। ठीक है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकैल्फे। लॉर्ड चार्ल्स मेटकैल्फे के आपसे बात करता हूँ सर, ये कौन थे सर? इनको याद रखा जाता है कि प्रेस के लिबरेटर के तौर पर, यानी कि प्रेस के ऊपर इन्होंने कोई भी जो कहते हैं अधिनियम थे, जो कानून थे, सब उन्होंने हटा दिए। पायल अग्रवाल कह रही है अकबर, बेटा अकबर नहीं है, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर टू, नॉट अकबर, इट हैज़ बी अकबर टू। हाँ बिल्कुल सही। ओके, तो प्राची जो लोग सो रहे हैं ना उनको जरा जगा दो, क्योंकि पेपर इतनी करीब है कि कब आके चले जाएंगे और कब आपकी नौकरी सपना का सपना ही रह जाएगी। क्योंकि आपको अगर मेहनत करनी है तो सोते हुए नहीं कर सकते, सोते हुए सपने देखते हैं और मेहनत में जागते हुए करनी होती है। तो भाई लॉर्ड चार्ल्स मेटकैल्फे लिबरेटर ऑफ द प्रेस, यानी ये कौन है सर? ये प्रेस के सुधारक हैं, प्रेस को आजाद करने वाले हैं। तो प्रेस का जो लॉ है उसको खत्म करने वाले, उसको रिमूव करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके ये लॉर्ड चार्ल्स मेटकैल्फे। अच्छा, लॉर्ड ऑकलैंड कौन है? तो देखो आपका बात करूँ यहाँ पे, लॉर्ड ऑकलैंड कौन थे इनको याद रखिएगा, इनको भारत में याद रखते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के लिए। अभी अफगान वॉर में कौन लड़ा था, अगेन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डीप में अब जाने का कोई मतलब नहीं है, बस याद क्या रखना है, एक बार क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि किसके टाइम पर एंग्लो अफगान वॉर हुई थी? तो ऑकलैंड साहब के टाइम पर हुई थी।
सर ये रहते हैं 6 साल के लिए 36 से 42, और ये इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं भारत में जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें, मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या कर रहे हैं भारत में, धीमे धीमे ये शिक्षा में सुधार की तरफ आगे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये क्या सर? सर देखो आपने अगले आ गए लॉर्ड एलन बोरो। सर ये रहते हैं आपको 2 साल, 42 से 44, इनके टाइम पर सिंध पे कब्जा करा, कोई याद है ना? ये जो एरिया था अपना, तो यहाँ पे 3 हिस्से आ रहे थे, एक सिंध था, एक आपका कहते हो ये मुल्तान था, और एक अपना लाहौर था। तो लाहौर गया, सिंध गया, तो सिंध सबसे पहले कब्जा करा गया था। सिंध पे कब्जा किसके टाइम पर हुआ था? तो एलन बोरो के टाइम पर हुआ था। और देखो अगले हैं लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे वन, हार्डिंगे एक, तो देखो हार्डिंगे भी आपको आगे मिलेंगे 1912 के टाइम पर, ये आके लॉर्ड हार्डिंगे वन है। आज देखो 44 से 48, सर ये तो वो टाइम है जब आपका एंग्लो सिख वॉर हो रही थी। जी हाँ, तो पहली एंग्लो सिख वॉर और ट्रीटी ऑफ लाहौर इन्हीं के टाइम पर हुई है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके टाइम पर हुई थी, तो सर लॉर्ड हार्डिंगे वन के टाइम पर हुई थी। तो किसके टाइम पर क्या हो रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुबह फिर से समझ लेते हैं। सर चार्ल्स मेल्ट के एल्फे के टाइम पर भारत में जो अफ्रे प्रेस है उसको कहीं ना कहीं लिबरेशन की तरफ हम आगे लेके गए, उसको फ्रीडम की तरफ हम लोग आगे लेके गए। ऑकलैंड के टाइम पर सर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होती है। लॉर्ड एलन ब्रॉक के टाइम पर सर आपका होता है सिंध को हमने कब्जा करा अंग्रेजों ने, और सर हार्डिंगे के टाइम पर हम बात करेंगे तो एंग्लो सिख वॉर आपका होता है। सिंपल है। प्राची इज सेइंग सर इनके नाम नहीं याद होते, अच्छे नाम नहीं रख सकते थे क्या? प्राची दैट इज व्हाट देयर नेम इज, शायद उनके नाम आपके लिए खराब पर उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको देखो सिंपल सी बात बताएं यहाँ पर, तो देखो 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 उसको ऐसे याद रखो, जो प्रेस है, प्रेस क्या करता है, जो आपका प्रेस है वो क्या करती है, सबको न्यूज देती है ना। तो जो न्यूज होती है बहुत ज्यादा क्या होती है सर, न्यूज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है। तो चार्ल्स ने न्यूज को कहीं ना कहीं लिबरेट करा, अगर कुछ ऐसे करके याद कर पाओ तो इंडियन प्रेस, प्रेस क्या करती है, प्रेस न्यूज देती है, और जो लोग देखो न्यूज देते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं चार्मिंग लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो प्रेस के जो लोग हैं वो चार्मिंग लगते हैं, तो चार्ल्स और प्रेस, चार्ल्स और प्रेस। अच्छा ऑकलैंड की अगर बात करते हैं तो यानी इन्होंने एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, तो ए से अफगान, ए से ऑकलैंड, तो जिन्होंने अफगान वॉर करी थी सर उनका नाम शुरू होता है ए से, ऑकलैंड हो गए। अच्छा एलन ब्रो की अगर बात करते हो यहाँ पर, तो एलन बोरो की बात करोगे यहाँ पर, तो उन्होंने सिंध अक्वायर करा था। तो ये बेसिकली देखो जो सिंध का एरिया है सर वो थोड़ा सा रफ एरिया है ना, देखो उसमें वो समतल एरिया नहीं है, थोड़ा सा उसमें उबड़ खाबड़ होगा क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया कैसा होता है, रफ होता है ना। तो देखो सर यहाँ पे देखो इसको रफ को याद कर लो बस, तो जिसके नाम में रफ आता है वो उसी ने सिंध को अक्वायर करा होगा। सिंपल, तो जिसके नाम में रफ आता है उसी ने सर उबड़ खाबड़ जो एरिया है सिंध का उसको अक्वायर करा होगा। सिंपल। अच्छा यहाँ पर एंग्लो सिख वॉर, क्या सिखों को हराना बहुत आसान था, क्या सिख को हराना बहुत आसान था? नहीं सर, सिख को हराना बहुत मुश्किल था। तो सिख को हराना मुश्किल था तो सर ये क्या है, सर ये एक हार्ड काम है। तो हार्ड काम कौन करेगा, हार्डिंगे करेंगे। हार्ड काम कौन करेगा सर, हार्डिंगे करेंगे, देखो इनके नाम में हार्ड आता है, तो सिख को हराना हार्ड था, तो हार्ड काम कौन करेगा, हार्डिंगे करेंगे क्योंकि नाम में हार्ड आता है। अफगान वॉर ए वाले इंसान हो गए, ऑकलैंड ऑकलैंड हो गए, सिंध ऊपर खा पड़े तो सर पर रफ वाले इंसान को हम ले चलेंगे, और प्रेस के जो लोग बोलते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, टाई वाई लगा कर आते हैं, तो चार्मिंग लगते हैं, तो चार्ल्स ऐसे हो गए। तो ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू प्राची, लेकिन लेकिन प्रेस में काम नहीं करता। ठीक है चलो लेट्स मूव फर्दर। लॉर्ड डलहौजी, अब देखो समझो ये सेकंड लास्ट है, ही इज सेकंड लास्ट, ही इज सेकेंड लास्ट, ही इज सेकेंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही इज सेकेंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे भाई, ये इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब सर ये क्या है, सर इसी के चलते तो झांसी की रानी गुस्सा गई थी, सबसे पहले सर गया सत्रिया, समझ में आता है आपको, सत्रिया गया था ना, सत्रिया था या कुछ और था, सबसे पहले देखो सिंपल सवाल है, सबसे पहले सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहाँ लगा था, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सर कहाँ लगा था, चलो आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट एन आंसर। सबसे पहले सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहाँ लगा था, देखो झांसी पे तो लगा था तो ठीक है, पर सबसे पहले कहाँ लगा था, वेरी फर्स्ट टाइम कहाँ लगा था, फर्स्ट टाइम हड़प नीति कहाँ लगी थी,
आई वॉन्ट एन आंसर। अच्छा सर, ये को इन के टाइम पर सर पास होता है पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। हाँ, सत्रिया तो सर डांस होता है, सत्रिया तो डांस होता है जो कि असम में होता है। किसने आंसर दिया था? प्रभा ने आंसर दिया, हितेन ने आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो सत्रिया तो डांस है जो किसका है सर? असम का है। लेकिन सतारा, सतारा वो जगह है ना पहली बार रखा था। वेरी गुड। देखो ये तरीका होता है तुमको कुछ चीजें याद करवाने का, तुमको रिवाइज कराने का। जानबूझ के सतरिया बोला गया जिससे आपको असम याद आया। अगर आपको असम याद आ रहा तो दैट इज वेरी गुड। सतारा सतारा सतारा, वेरी गुड। चार्ल्स वुड डिस्पैच की अगर बात करोगे तो ये एक एक्ट है, बेसिकली ये कानून बेसिकली ये लोग लेकर आए थे जहां पर जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली आज आप देखते हो उसमें प्राइमरी लेवल पर, वोमेन्स के लेवल पर, और सर आका कहते हो यहाँ पर मिडिल लेवल पर, हायर लेवल पर, सब में सुधार कार्य कर रहे हैं। अगेन वुड डिस्पैच के बहुत अंदर जाने की हमको जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि इससे भारत में शिक्षा की सुधार की बात निकल कर आई थी। ये था वुड डिस्पैच। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आपका निकल कर आता है। भारत में जो पहली रेलवे लाइन है मेरे भाई, बॉम्बे टू थाने, वो इनके टाइम पर निकल कर आई। भारत में जो पहली टेलीग्राफ लाइन थी सर, वो भी इन्हीं के टाइम पर निकल कर आई थी सर, डलहौजी के टाइम पर। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्टैब्लिश करा गया। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि पहली सिख वॉर किसके टाइम पर हुई थी सर? वो हुई थी रफ के टाइम पर, जो एलन जो रफ नहीं, जो आपके जो हार्ड था, हार्डिंग के टाइम पर हुई थी। और देखो सेकंड एंग्लो सिख वॉर सर हुई थी डलहौजी के टाइम पर, ठीक है? बिकॉज देखो एंग्लो सिख वॉर जब ये लोग हार गए ना सिख लोग, तो इनका हाउस चला गया। जब एंग्लो सिख वॉर हार गए तो सिखों का घर चला गया, सिखों का घर चला गया तो सर घर कौन छीनेगा सर? मेरा घर तुमने छीन लिया, तो मेरा घर तुमने छीन लिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया? तुम्हारे नाम में घर आना चाहिए, तो हाउस, तो हाउस जिसके नाम में सर हाउस आता है ना सर, उसने मेरा घर छीना होगा, उसने मेरा घर छीना होगा। तो मेरा घर किसने, मेरा घर छीना है डलहौजी ने, क्योंकि उसके नाम में हाउस आता है। और अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने क्या छीना था? सिक्कों का घर छीना था, ठीक है? चलो प्राची, देखो अच्छे काम क्या कह सकते हो, सुधार कर रहे थे लेकिन उसने भी देखो अपना फायदा ढूंढ रहे थे। ऐसे अगर कहोगे तो भारत में अंग्रेजी सिस्टम को इन्होंने लागू करा था सो दैट कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको बर्बाद करा जाए। अगर हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी सिस्टम को लागू करने की सबसे मुख्य वजह क्या थी, जिससे कि जो आपकी खुद की जो अपनी भाषा है, जो आपका अपना अस्तित्व है, वो खतरे में पड़ जाए। और आज काफी हद तक वैसा ही है। मैक्सिमम लोगों को ना हिंदी अच्छे से आती है, ना अंग्रेजी अच्छे से आती है, उन्हें हिंग्लिश आती है। अब ये तो कोई भाषा ही नहीं है। तो आप मुझे बताओगे सर, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कौन है? भारत में इंग्लिश एजुकेशन के पिता पितामह किसे कहे गए? अंग्रेजी एजुकेशन के पितामह किसे कहा गया? ये फादर कौन है, कौन है? ठीक है, ओके। टेलीग्राफ लाइन बिछाई इन्होंने, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करा, टाइटल और पेंशन को बंद कर दिया, टाइटल और पेंशन को बंद कर दिया। भारत में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को दोबारा फिर से शुरुआत करवाई गई, और विडो रीमैरिज एक्ट को भी डलहौजी साहब लेकर आए थे। देखो मेनली याद क्या रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखिएगा, वुड डिस्पैच एक्ट निकल कर आया था वो याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ये मतलब पोस्ट ऑफिस में एक्ट लेकर आए थे, टेलीग्राफ सिस्टम शुरू हुआ था, पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पर हुई थी। इतना आपको याद रखना है बस। बिल्कुल थॉमस पायल, नहीं ना 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 पायल गलत। इंग्लिश एजुकेशन के फादर कौन है? आई वॉन्ट नो, थॉमस नहीं है, थॉमस नहीं है बेटा, थॉमस नहीं है। अच्छा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो देखो अब इस कड़ी में से को आखिरी कौन है? तो लास्ट है भाई, ये है आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये ही इंसान पहला कौन है? लॉर्ड मैकोले। बिल्कुल सही प्रभा, बिल्कुल सही, लॉर्ड मैकोले इज द राइट आंसर। आपको देखो याद रखना है, लॉर्ड मैकोले इज द नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा देखो समझो, इसके बाद क्या होता है, ये जो लॉर्ड कैनिंग है ना, ये 1857 की क्रांति में भी थे, ये 1857 के रिवॉल्ट में भी थे। और आपको पता है सर, इसके बाद आपको मैंने बताया था, याद करो पार्ट टू में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है एस्पिरेंट्स, तो इसमें क्या निकल कर आता है कि
अब यहाँ पर जो पद है वो पद आ गया वाइसरॉय का। तो पहला वाइसरॉय कौन? तो अभी somebody was asking, I think अंकिता was asking ना, अंकिता was asking कि पहला वाइसरॉय कौन था। तो अंकिता योर आंसर इज पहला वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था पहला वाइसरॉय। ठीक है चलो, तीन यूनिवर्सिटी कौन कौन सी खोली गई? कलकत्ता खोली गई, मद्रास खोली गई, बॉम्बे खोली गई 1857 में। देखो ध्यान से देखो, ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे तीनों रजवाड़े हैं, तीनों रजवाड़े हैं अगर किसके, दे आर प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मैसूर प्रेसिडेंसी, ये पैसे प्रेसिडेंसी है किसकी? अंग्रेजों की। 1857 का रिवॉल्ट हुआ और यहाँ पर आपका महारानी आती है इलाहाबाद में। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दो पदों का निर्माण होता है, एक होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का और एक है मेरे भाई वाइसरॉय का, एक है वाइसरॉय का और एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सर पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो लॉर्ड स्टेनले। लॉर्ड स्टेनले वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। और पहला वाइसरॉय कौन था? आपने बता दिया लॉर्ड कैनिंग। पहला वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है चलो, तो सर ये आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल भी करवाया था, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा। तो हु अंडर हुज टेन्योर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, किसके कार्यकाल में स्थायी समझौता किया गया था? गिव मी योर आंसर्स वेरी क्विकली, लेट्स सी आपने कल का सेशन कितना देखा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक, जल्दी से बात थम्स अप करते चले जाना मेरे भाई। सेशन में लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी बिल्कुल मत रखिएगा। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर, पायल ने आंसर दिया, प्राची ने आंसर दिया 111। देखो उसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, भारत में जो परमानेंट सेटलमेंट है सर, ये क्या होता है? अरे मेरे बाप को, मैं तुमको बताया था ना कि रेवेन्यू लेने के लिए हमने क्या करा था, जो आपका अंग्रेज है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार नियुक्त कर दिए थे, जमींदारों को यहाँ पे पावर दे दी थी। तो जमींदारी प्रथा बेसिकली यहाँ पर जो थे उसको पावर देने का काम किसने करा? अंग्रेजों ने करा। और उसमें वो लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट, यानी किसानों को कहीं ना कहीं जमींदारों के नीचे कर दिया गया। तो मेन अब कौन हो गया? जमींदार हो गए। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट, कौन लेकर आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? भारत में कौन से अधिनियम से मुख्य न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अगेन क्वेश्चन सिंपल है, जल्दी से बता दो उसका आंसर क्या है। डिटेन व्हाट हैपेंड? डिटेन क्या हो गया? ओके, व्हाट आई कैन सी, मैक्सिमम लोग आपको आंसर दे रहे हैं बी 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 बी। लेट्स सी, इसका जो आंसर है मेरे भाई वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है चलो, ये सारे क्वेश्चन को मैंने कल करवाए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कल आपने कल का सेशन अभी तक देखा नहीं है, और कल आपको मैंने पढ़ाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखे थे, सो दैट कि आपका देखें तो आप लोग कितना पढ़ते हो। तो विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो कौन से गवर्नर जनरल को कहा गया भारत में आधुनिक भारत का पितामा? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कहा गया आधुनिक भारत का निर्माता? जल्दी बता दो सर, किसे कहा गया? ओके देन नो इश्यूज। बस उसी लिए दिक्कत आ रही है। किसे कहा गया था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्विकली चलिए देखते हैं सर, इसका तो राइट आंसर है एस्पिरेंट्स, वो है डलहौजी। जी हाँ, जिनके पास अपना खुद का घर है वो ही तो दूसरा घर बनाएंगे। जिनके पास अपना घर है, देखो इन्होंने क्या करा, डलहौजी ने सिखों से घर छीना। तो एंग्लो सिख वॉर कौन का? एंग्लो सिख वॉर टू। एंग्लो सिख वॉर टू किसके टाइम पर हुई थी? सर डलहौजी के टाइम पर हुई थी। सिखों का घर छीन लिया, सिखों का घर छीन लिया तो डलहौजी ने अपने नाम के आगे घर लगा लिया। अब ये घर बनाएंगे किसका? सर एक घर बनाएंगे भारत का। तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन हो गए? सर वो डलहौजी।
सिक्को का घर लिया, अपने नाम करके घर लगाया और भारत का के मेकर मान लिए गए डलाउजी, क्योंकि टेलीग्राफ लाइन है, रेलवे लाइन है, डलाउजी का सब कुछ हुआ है डलाउजी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेन बॉम्बे वॉज डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंसी, बम्बई को प्रेसिडेंसी कॉलोनी के रूप में नामित किए जाने पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? हाँ बिल्कुल, लूटपाट तो करते थे ये लोग। आइए देखते देखते इसका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका देखो राइट आंसर है एस्पिरेंट्स लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो सुनो बहुत ध्यान से, एग्जामोपीडिया प्लस का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम सुबह 6:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटे सिर्फ आपके लिए 4 वीडियो लेकर आ रहे हैं लगातार। 6:30 बजे देखो आपका एस्पिरेंट्स आता है 5 का पंच, समझ आ रही बात? 5 का पंच मैं खुद आपके लिए लेकर आता हूँ, जहां पर मैं टॉप 5 प्लस न्यूज आपके लिए लेकर आता हूँ। तो 5 से ज्यादा न्यूज आपको मिल जाती हैं एक ही जगह पर सुबह सुबह 6:30 बजे, आपको जरूर देखना है। आज आप लोग नहीं आए थे या बहुत कम लोग आए थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन सजा के देखो 6:30 वाला, और कल भी सेशन आएगा। तो सर रोज आपको सेशन 6:30 पे देखना है, और आपको उसके बाद आना है 7 बजे अनअकैडमी वाली क्लास में, इसको देख कर आप लोग आओगे, ठीक है? छोटा सेशन है, 10 मिनट का सेशन होता है, देख सकते हो। उसके बाद देखो 12:15 पे बैठा की क्लास आती है, 12:15 से 12:30 के बीच में क्लास आती है यहाँ पर रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो क्रैश कोर्स है बैंक का सर, वो आपका आता है यहाँ का 12:15 बजे। उसके बाद अगर बात करोगे तो 4:30 बजे मैं फिर से आपके सामने आ जाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर यूट्यूब पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं। तो बस कोशिश करो जितने मैक्सिमम फ्रेंड्स को आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, बहुत आपको कॉम्पिटिशन एनहांस होगा और क्वेश्चन के ज्यादा आपको अच्छे आंसर्स मिल पाएंगे। और हम बात करते हैं सर 6 बजे, अभी आपका फिर आएगा एक रीजनिंग का क्रैश कोर्स, जो कि आपका होगा SSC वाले बच्चों के लिए। तो मेक श्योर कि आप सब लोग इन सारे कोर्सेज का बेनिफिट उठाइए। और सुबह 7 बजे और 11 बजे मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर, 7 बजे एंड 11 बजे। 7 बजे चलता है करंट अफेयर्स क्लास, और 11 बजे तक का चलता है यहाँ पर कहते हैं GA का और इकोनॉमिक्स का क्लास, जो कि आपका होता है क्रैश कोर्स। और ये सब कुछ अभी आपके लिए फ्री है। तो मेक श्योर कि इस लॉकडाउन में तैयारी को बिल्कुल अनलॉक करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। GA और रीजनिंग हमारे भरोसे, बाकी तुम अपने भरोसे रखो, ठीक है? Who was the British Governor General when Bombay was designated as presidency? बम्बई, ये तो आपको ने बता दिया ना, इस क्वेश्चन को सर डन है, हो गया, ये क्वेश्चन डन है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following Governor General called himself as the Bengal Tiger? देखते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा, जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका ताली मैं बजाऊंगा। तो सर देखते हैं, Who among the following Governor General called himself as the Bengal Tiger? किसने खुद को कहा था Bengal Tiger? Let's see। बिल्कुल शेफाली, क्लास आंसर दिया है पायल ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। शेफाली ने आंसर दिया है ए। आई वांट मोर आंसर्स, क्विकली आई वांट मोर आंसर्स। प्रभा ने आंसर दिया है डी। तो सर लेट सी सबसे सर सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है एस्पिरेंट लॉर्ड वेलेस्ली, और सर ये सबसे पहले आंसर दिया था प्रभा ने। फैंटास्टिक सर, एक ताली तो बजती है सर आपका कहते प्रभा के लिए। वेरी गुड, प्रभा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने कहा था खुद को बंगाल का टाइगर, और सर इनके लिए निकल कर आता है सब्सिडरी अलाइंस। जी हाँ, सब्सिडरी अलाइंस, सहायक संधि। और सहायक संधि सबसे पहले करी थी कहते हैं अवध या आउध के, जो आपके कहते हैं ना ये नवाब होते हैं, ये नवाब कौन से अपने आपके नवाब थे ये, यू कैन से ओके। एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल नाउ? क्विकली रिप्लाई। Am I visible? Am I audible? I think I am visible and audible too. Okay, fantastic. Okay, let's listen to me. Actually, what happened? Light चली गई थी, electricity failure था, तो 2 सेकेंड लगता है आपका इधर से उधर आपका, कहते हो कि इन्वर्टर में भी अगर आप लगा के रखते हो अपने वाईफाई कनेक्शन को, तो दो मिनट लगता है, उसी लिए 2 मिनट के लिए आपका वो
थोड़ा सा बफरिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इट्स ऑल क्लियर, फैंटास्टिक। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, देखो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा गया था बंगाल का टाइगर, सबसे पहले आंसर दिया था प्रभा ने, वेरी गुड। देखो समझो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर आपका कर रहे होते हैं गवर्नर, देखो समझो यहाँ पर एक चीज को, कि भारत में अगर हम बात कर रहे हैं, भारत में आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसके बाद कौन सा सर पद आता है, तो पद आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, समझ में आ रही बात। सबसे पहला कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग, सबसे पहले बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद देखो पद आपका निकल कर यहाँ पर आता है चार्टर एक्ट 1833, जी हाँ चार्टर एक्ट 1833 आपका निकल कर आया, और सर आपका पद आ जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ये सब भारत में अंग्रेजी कंपनी के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी थे, और यहाँ पर देखो नाम आ जाता है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक का। तो पहला कौन बना, विलियम बेंटिक, और उसके बाद एस्पिरेंट आपका यहाँ पर आता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये सब पद आता है आपका। हम बात करते हैं यू कैन से कब, जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है तो आपका जाकर पद बनता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया। पहला वाइस रॉय कौन था, तो वो आपके थे, पहला आपका होता है लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सर अभी तक हमने सर ये वाला हिस्सा देख लिया है हमने, सर आपका अभी अभी हमने देख लिया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमने देख लिया है सर यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे एस्पिरेंट्स वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो कल की क्लास जो कि है कल फ्राइडे की क्लास, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, बिकॉज कल देखेंगे हम लोग वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और फिर हम लोग सैटरडे को लगाएंगे एमसीक्यू। तो सैटरडे को लगेगा एमसीक्यू, और क्लास क्लास होने वाली है वाइस रॉय की, जिससे कि हम सीरीज में तीनों को खत्म कर पाए। बंगाल के गवर्नर को हमने खत्म कर दिया है, इंडिया का गवर्नर जनरल हमने खत्म कर दिया है, और कल हम खत्म करेंगे वाइस रॉय के टॉपिक को सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 4:30 बजे मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, कोई भी अगर आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एग्जामोपीडिया प्लस। तो आपको क्लास कैसा लगा मुझे बता सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो सर, तो @एग्जामोपीडिया प्लस हमारा है टेलीग्राम चैनल, उसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा फेसबुक पेज है, अभी यहाँ पर बहुत बहुत ही कम बच्चे हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू भाई सबके पास फेसबुक है, भाई फेसबुक पे एग्जामोपीडिया प्लस का पेज को ढूंढिए, उसमें यही वाला फोटो लगा है, और फटाफट जाकर उसको जरूर से लाइक कर दीजिए, जिससे कि कभी भी हम कोई नया आपका लिंक डालते हैं, मोटिवेशनल कोड डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आई वॉन्ट कि मैक्सिमम लोग उस पेज को आज लाइक कर दें, ठीक है। चलिए तो एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा मैं दोस्तों का, अगर आपको अच्छी लगी हो, और कुछ खराब लगा हो तो पहले मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।